तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, वाले वीडियो में फिर से लेके आ चुका हूँ मैं रेसलिंग एम्पायर का गेम प्ले। और आज मैं सुनने आ रहा है टीम ब्लड लाइन रोमन रिंग सोलो स्क्वाड एंड जिमी यूसो वर्सेस टीम रेंडी ऑर्टन, जिसमें रेंडी ऑर्टन की टीम में है एली नाइट एंड एजे स्टाइल। तो एजे स्टाइल अभी स्मैकडाउन में रिटर्न आ गए थे, वो भी हील होकर बिल्कुल ही, और क्या ही मतलब उनकी बॉडी हो चुकी है एजे स्टाइल की। तो इसी के लिए मैच कर रहा हूँ मैं। और वैसे तो एजे स्टाइल ने एली नाइट पर अटैक भी कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने इन्हें एक ही टीम में रखा और मैच इधर स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर जो है लीगल मैन है अभी हमारे द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स एंड रेंडी ऑर्टन। तो यहाँ पर जो है मतलब इस मैच में जो है एलिमिनेशन और नॉकआउट ऑन है, ज़्यादा पिटे हेल्थ ख़त्म हुई तो नॉकआउट हो जाने वाले हैं मतलब। तो यहाँ पर जो है रोमन जो है स्टंड हो चुकी है, तो यहाँ पर इधर जो है अटैक कर दिया है एजे स्टाइल को रेंडी ऑर्टन ने। यहाँ पर ये ला दिया है सुपरमैन पंच एजे स्टाइल को रोमन रिंग्स ने। और यहाँ पर ओके लीगल मैन जिमी यूसो है, रोमन ने टैग कब कर दिया पता नहीं यार, लगता है टैग जो है मतलब जिमी को ही टैग मिला था शायद से, पता नहीं क्या ही सीन था अभी मैं समझ नहीं पाया। और अब तो जो सोलो लीगल मैन है वो इधर से जो है एजे स्टाइल लीगल है, और ये एजे स्टाइल को एक सबमिशन में फंसा दिया था जो है सोलो ने, लेकिन जो है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल ने रिवर्स कर दिया और टैग कर दिया है फैन फेवरेट एली नाइट को। तो यहाँ पर जो है एजे स्टाइल लीगल नहीं है, फिर भी देखो अटैक कर रहे हैं और यहाँ पर रिवर्स कर दिया भाई एली नाइट। और सोलो की तो बहुत ही तगड़ी दुश्मनी है, वैसे तो रोमन के साथ दुश्मनी थी रोमन की, लेकिन फिर भी सोलो से कुछ ज़्यादा ही एली नाइट की दुश्मनी लगती है मुझे। तो यहाँ पर टैग मिल चुका है फिर से हमारे द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स को, और आते ही जो है एली नाइट को पीटना शुरू कर दिया है द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स ने। और रेंडी ऑर्टन लीगल है वैसे तो, लेकिन रेंडी ऑर्टन पता नहीं क्यों जो एली नाइट को बचा नहीं रही। ओके फाइनली एली नाइट को बचा लिया मतलब छुड़ा लिया रोमन के मूव से। और यहाँ पर जो है पंच वंच की फाइट हो रही है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर जो रिवर्स कर दिया रोमन ने, और यहाँ पर रोमन का जो है फिनिशर बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। अगर रोमन फिनिशर ले आते हैं तो शायद से जो है एक बंदे को जो है एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और टैग मिल चुका है फिर से द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल को, और दोनों ने वो भाई साहब क्या ही मूव था ये मूव दोबारा से देखना मतलब जो है रेंडी ऑर्टन ने उन्हें हवा में उछाला रोमन रिंग्स को, और फिर जो है एजे स्टाइल ने कैच कर जो मूव लगाया क्या ही मूव था। और यहाँ पर फिर से जो है लीगल मैन है अब हमारे द वाइपर रेंडी ऑर्टन, और यहाँ पर ये देखो एजे स्टाइल लीगल नहीं है फिर भी रोमन के पीछे पड़े हुए हैं, और ये दोनों रिवर्सल खेल रहे हैं। और यहाँ पर देखो अब रोमन ने रिवर्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो है ये देखो अब रेंडी ऑर्टन ने जो है फिर से वही पंच वाला सीन शुरू कर दिया, लेकिन रोमन ने रिवर्स कर दिया और रोमन के पास फिनिशर आ सकता है, लेकिन रोमन पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। और ये भाई साहब क्या ही उड़ के मारा भाई सुपरमैन पंच कितने ही मुकता ये जिमी यूसो ने जैसी टैग मिला। और ओके वो भाई साहब नॉर्मल सबमिशन से रेंडी ऑर्टन को टैप आउट करा दिया भाई जिमी, वो जिमी कह रहा हूँ मैं भाई जिमी तू ही जो है नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बनने वाला, इसी बात पे रिवर्स कर दे ये मूव को। और भाई साहब रिवर्स करा, लेकिन यहाँ पर स्टाइल क्लैश लगा दिया एली नाइट ने। तो एली नाइट जो है चिढ़ा तो नहीं रही है एजे स्टाइल को, क्योंकि वैसे भी एजे स्टाइल ने जो है एली नाइट को जो है मतलब अटैक कर दिया था एली नाइट पे रियल WWE में। तो यहाँ पर जो है सबमिशन में फंसा लिया, लेकिन सोलो बचा नहीं आ गया, नहीं तो शायद से मुझे तो लगता है जिमी उसे भी टैप आउट ही कर देता। तो यहाँ पर जो है रेंडी ऑर्टन तो जा चुके हैं और अब बच चुके हैं एली नाइट और द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल, और जिमी यूसो ने एक सुप्लेक्स लगाया एली नाइट को। तो भाई साहब वैसे तो नेक्स्ट ट्राइबल चीफ शायद से सोलो बनने वाला है, लेकिन ऐसे मतलब इतना अच्छा अगर जिमी खेलेगा तो जिमी तू ही ट्राइबल चीफ बनेगा। तो यहाँ पर मैंने जिमी को वध दिला से तो दिला दिया है, लेकिन देखते हैं जिमी और मतलब एलिमिनेट कर पाता है या नहीं। लेकिन अब तो जो है टैग मिल चुका है सोलो को, और सोलो को रिंग के अंदर आने ही नहीं दिया मतलब एली नाइट ने पहले ही गिरा दिया। तो यहाँ पर अटैक कर दिया है, टैग नहीं करा ओके मैं सोच रहा था टैग कर दिया है एली नाइट ने एजे स्टाइल को। तो यहाँ पर सोलो आ चुका है फिर से रिंग के अंदर, लेकिन फिर से सोलो ने टैग करा रोमन को, रोमन ने टैग कर दिया जिमी को। और जिमी तो आज भाई बहुत ही ज़्यादा मस्त खेल रहा है। तो यहाँ पर जो है एली नाइट को जो है रेफरी चेक कर रहा है, हेल्थ तो मतलब ख़त्म नहीं हुई, तो शायद से एली नाइट एलिमिनेट होने वाले हैं नॉकआउट होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जिमी उसको ने जो है पंच बजाने शुरू कर दिए एली नाइट के ऊपर, और ये एक आर के ओ भाई साहब यहाँ पर। तो ये जो है मूव चुराए जा रहे हैं इस मैच में, तो पिन फॉल करने की कोशिश करी बट यहाँ पर वन ही हो पाया, लेकिन एली नाइट को जो है एलिमिनेट कर सकता है जिमी उसको।
तो यहाँ पर ये मूव भी रिवर्स कर दे। ओके रिवर्स कर दिया वो, मैं सोच रहा था रिवर्स नहीं करा यार। आज जिमी उसो भाई साहब ओपी कर देना कमेंट में यार, जिमी उसो क्या ही खेल रहा है। और ये चौक स्लैम को रिवर्स करके ये क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं मंकी फ्लिप की तरह कोई मूव था वो लगा दिया। और एली नाइट अभी भी एलिमिनेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं अब हमारे ट्राइबल चीफ एली नाइट को एलिमिनेट करेंगे। तो ये एक भाई साहब वैल्यू टू वैल्यू सुप्लेक्स लैडर के ऊपर, और इसी के साथ एली नाइट भी एलिमिनेट हो चुके हैं। और अब लीगल मैन है हमारे, फिर से जिमी उसो को टैग कर दिया भाई, पहले रोमन थे लीगल मैन। और यहाँ पर यूरेनामी रॉक बॉटम लगा दिया था अभी रोमन ने एलेन सॉरी एजे स्टाइल को, लीगल ना होने के बावजूद भी। और अब लीगल मैन है हमारे जिमी उसो एंड द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल। तो यहाँ पर जो है एजे स्टाइल वन वी थ्री कर दोगे, अरे नहीं वन वी थ्री तो एक बार को इम्पॉसिबल है क्योंकि हमारे ट्राइबल चीफ है इस टीम में, लेकिन जो है एजे स्टाइल वन वी टू तो आराम से कर ही सकते हैं, देखते हैं भाई। आज तो भाई साहब जिमी उसो ने बहुत ही ज़्यादा तगड़ा खेला, मैं सोलो से बहुत उम्मीद कर रहा था मतलब, लेकिन सोलो ने तो भाई ज़्यादा कुछ अच्छा ही नहीं खेला। तो यहाँ पर जो अभी भी लीगल मैन जो है हमारे जिमी उसो और एजे स्टाइल है। तो यहाँ पर जो है मतलब ये भाई साहब एक क्लासिक मूव लगा दिया, और इसी के साथ अभी एलिमिनेट नहीं हुए हमारे द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल। और यहाँ पर जिमी उसो शायद से टैग करने, ओके मैं सोच रहा था जिमी उसो टैग देने जा रहा है बट जिमी उसो टैग देने नहीं गया। और यहाँ पर रिवर्स कर दिया है एजे स्टाइल ने, और ओके यहाँ पर ये सबमिशन में डाल दिया एजे स्टाइल को, भाई साहब टैप आउट करा दिया। आज भाई साहब मैच में जिमी उसो ने बहुत बढ़िया खेला है, और दो एलिमिनेशन करे जिमी उसो ने और एक रोमन ने करा, तो इसी के साथ जीत चुकी है हमारी टीम ब्लड लाइन। तो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, जाते जाते फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।